मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि जल्द या फिर सितंबर माह में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए और उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके सिलसिले में लगातार मुख्यमंत्री से वार्ता जारी है। और वहीं व्यापारी केशव नाथ तिवारी ने कहा कि संगठन को बढ़ाना और व्यापारियों के हित में सम्मेलन आयोजित होगा। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और उसके बाद क्या रणनीति रहेगी आगे जो है व्यापारियों के साथ में? माननीय मुख्यमंत्री से दो बार मुलाकात हुई थी लेकिन उसमें वहाँ पे 10 या 15 उद्योगपति ज्यादा आए थे और अब चुनाव खत्म हो गया है तो जितनी हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी 1.5 साल में तो अब कम से कम 500 की संख्या हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक व्यापारियों का यहाँ पे सम्मेलन कराएं, बुलाएं उद्योग लगाने वालों को और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री और नए औद्योगिक मंत्री बुलाएंगे और जितने भी हैं कुछ मंत्री उनको सबको बुलाया जाएगा। अब चलिए उग्रेश जी, आप इससे पहले चर्चा में रहे हैं हमेशा जो है हर चीज़ में आगे रहें कि आप व्यापारियों कैसे जोड़ेंगे, कैसे लेकर के आएंगे? नहीं, अब हमारे हैं बस हमको इसका 1 महीना 1.5 महीना चाहिए था। 10-5 लोगों का ग्रुप मिलाने से काम नहीं बन रहा था इसलिए मतलब इकट्ठे हम बुला करके और उनकी सारी समस्या समाधान भी होगी और वन विंडो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ किया है और यहाँ का जो औद्योगिक नीति है वो कहीं भी देश में नहीं है। और दूसरी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था जब सितंबर में हुआ था कि हम आप जितने भी उद्योग उत्तर प्रदेश में लगेंगे कहीं भी लेंगे उनको बिजली डायरेक्ट हम वहाँ से देंगे, हमें बिजली किसी से ट्रांसफार्मर्स लेने नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बिजली कभी बिजली नहीं। ठीक है सर। केशवनाथ तिवारी, ये अटल पूर्वांचल उद्योग विकास परिषद के महासचिव पर आज हमारी नियुक्ति आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी ने किया है और हम मूलतः मिर्जापुर जनपद के रहने वाले हैं, चावल इंडस्ट्रीज में हमारा व्यापार। कौन सा चावल अभी आपने उपलब्ध किया है जो जिससे आपने बीमारी भी कहीं दूर होगी? अभी हम लोगों ने काला चावल की खेती अपने किसानों से करवाया था, हमारा जो है विंध्याचल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसके माध्यम से हम अपनी करीब 300 किसानों से काले धान की खेती करा करके वो काला चावल जो कि वो मूलतः एक प्रकार से दवा के रूप में है जिसकी लॉन्चिंग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हुआ था विंध्य ब्लैक राइस के नाम से। उद्योग की बात की है, सरकार ने बीजेपी सरकार ने उद्योगों को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की है मगर कहीं ना कहीं व्यापारी जो है उसे विफल हो रहा है, क्या कारण है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रदेश सरकार हमारे व्यापारियों के लिए काफी चिंतित है और उनको हर सुख सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। और अगर कुछ इधर उधर की बातें हैं तो हम लोग अपने इस पैनल पे अटल पूर्वांचल उद्योग विकास परिषद के माध्यम से व्यापारियों से मिलकर के उनकी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के दूर कराएंगे और उनके हित में हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे।